एटॉमिक स्पेक्ट्रा टुडे अवर टॉपिक इज इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज को लेके चल रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन वन एक्सरेज आर डिफ्लेक्टेड बाय एक्सरेज डिफ्लेक्ट होती हैं बाय दी जो राइट आंसर होगा वही यहाँ पे मैं कॉल करूँगा नन ऑफ दीज ठीक है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बोथ इनका एक्स रेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता क्वेश्चन टू की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शेल इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के करीब तरीन शेल जो होता है वो के शेल होता है क्वेश्चन थ्री की बात करते हैं द ट्रांजिशन ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन इन द हैवी एटम गिव राइज टू द अमिशन ऑफ हाई एनर्जी फोटोन्स आर द एक्स रेज इनर शेल शेल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है हैवी एटम्स के अंदर एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं एक्स रेज आर दी हाई एनर्जी फोटोन्स होती हैं क्वेश्चन फोर की बात करते हैं द फोटोन अमिटेड इन द इनर शेल ट्रांजिशन आर कॉल्ड दी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज जो इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं उनको नाम देते हैं करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेज का ठीक है एक्स रेज की दो तरह की टाइप्स होती हैं करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेज एंड दूसरी इसकी होती है कंटिन्यूस एक्स रेज जो इनर शेल की वजह से होती है वो कंटिन्यूस करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेज होती हैं ठीक है क्वेश्चन नेक्स्ट द एनर्जी ऑफ एक्स रेज डिपेंड अपॉन एक्स रेज की एनर्जी किन के ऊपर डिपेंड करती है वोल्टेजेस मटेरियल टारगेट बोथ ए एंड बी तो राइट आंसर इसका होगा सी बोथ ए एंड बी क्वेश्चन सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन विल बर्न द ह्यूमन स्किन इंसानी जिल्द को कौन सी रेडिएशन बर्न कर सकती है एक्स रेज ठीक है एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एक्स रेज कैन बर्न द ह्यूमन स्किन सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन सेवन की बात करें के अल्फ़ा एक्स रेज या के अल्फ़ा रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी एल शेल से के शेल में जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है तो उस वक्त के अल्फ़ा रेडिएशंस एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं क्वेश्चन एट द कंटिन्यूस एक्स रेज स्पेक्ट्रम इज़ ऑब्टेन ड्यू टू अब कंटिन्यूस एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं या उसका स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन करते हैं ग्राफिकली तो बेसिकली डी एक्सरेशन ऑफ द इम्पैक्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है ना वो स्लो होती है डी एक्सरेट होती है ड्यू टू न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से डी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट नाइन द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन आर द अदर लाइट एलिमेंट्स रिजल्ट इन द अमिशन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन दिस राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन टेन इन दी हैवी एटम्स द इलेक्ट्रॉन आर अज्यूम टू बी अरेंज्ड इन हैवी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं इन कंसेंट्रिक शेल सी इज़ द राइट आंसर कंसेंट्रिक शेल मतलब करीब तरीन शेल होते हैं गैप नहीं होता क्वेश्चन अलेवन की बात करते हैं इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज द इलेक्ट्रॉन आर एक्सरेटेड टूवर्ड द एनोड बाई द थर्म्यूनिक अमिशन राइट आंसर इज एक्स रेज जो होती हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सरेट करते हैं टूवर्ड द एनोड ठीक है बाई द थर्म्यूनिक अमिशन इज द राइट आंसर क्वेश्चन ट्वेल्व द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन अमिटेड फ्रॉम द एक्स रेज ट्यूब इन अ सर्टेन इंक्रीज बाई द मैक्सिमम एनर्जी को कैसे इंक्रीज करते हैं ठीक है एक्स रेज की तो इंक्रीज द वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है अप्लाइड वोल्टेज एक्सटर्नल क्वेश्चन थर्टीन द टोटल एनर्जी ऑफ द एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस टोटल एनर्जी जो होती है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है तो टोटल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव होगी क्वेश्चन फोर्टीन वैन एन इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब द एनर्जी इट जम्प्स हायर एनर्जी लेवल्स ठीक है जब एनर्जी अमिट करेगा तो लोअर एनर्जी लेवल में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट मूव करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सीरीज को लेके चल रहे हैं यहाँ पे अब क्वेश्चन बात करते हैं 15 की द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन 16 विच इज़ नॉट ट्रू फॉर द एक्स रेज के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी एक्स रेज पोलराइज्ड नहीं हो सकती ठीक है तो वेरी हाई एनर्जी फोटोन्स होती हैं एक्स रेज दैट्स वाई
ठीक है। जो राइट आंसर है उसी को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना बने, एक्स्ट्रा टाइम ना लगे, लेकिन जब आपने टेस्ट को अटैम्प्ट करना है, ऑल ऑप्शन को यहाँ पे रीड करना है, देन जो राइट आंसर होगा उसको क्लिक करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं 17 के, एक्स रेज आर सिमिलर इन नेचर ड्यू टू, एक्स रेज की जो नेचर होती है वो सिमिलर किसके साथ होती है, अगर हम स्पेक्ट्रम को देखें तो उसमें जो गामा रेज होती हैं इसकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके साथ मुशाबे रखती है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन बात करते हैं 18 की, एक्स रेज लेवल इन द स्ट्रेट लाइन विच वेलोसिटी, तो इसका राइट है इक्वल टू लाइट, ठीक है। एक्स रेज की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की 19, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रेज इज लीस्ट विद द मटीरियल ऑफ, ठीक है। अब मटेरियल कैसा होगा, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होगी वो लीस्ट हो जाएगी, इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। हाई मास डेंसिटी, हाई वॉल्यूम डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 20, एक्स रेज एजेक्ट निकलना इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मैटर बाय दी, दिस इज नोन एज कम्प्टोन इफेक्ट, ठीक है। ये तो थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 हमने MCQ जहाँ पे डिस्कस किए एक्स रेज रिलेटेड। ऑल दी बेस्ट, नेक्स्ट लेके चलेंगे पार्ट 2 में, फर्दर MCQs को कवर करेंगे, 21 MCQs से लेके चलेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेक केयर।